अगर आप एसी कोच में अभी तक ज्यादा महंगी टिकट की वजह से यात्रा नहीं करते थे तो आपके लिए एक तोहफा IRCTC लेकर आई है। दरअसल भारतीय रेलवे ने यात्रियों को आरामदायक यात्रा देने के लिए पहली बार AC3 इकोनॉमी कोच की शुरुआत की है। इसमें उत्तर मध्य रेलवे जोन ने AC3 इकोनॉमी कोच को प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस में जोड़ दिया है और आने वाले दिनों में भारतीय रेलवे नई दिल्ली लखनऊ AC स्पेशल और लखनऊ मेल में इस तरह के कोच जोड़ने जा रही है। आपको बता दें कि प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस की शुरुआत हो चुकी है। इस AC3 इकोनॉमी कोच का मकसद है यात्रियों को कम किराए में AC कोच की यात्रा करवाना। अभी तक काफी लोग महंगे किराए के डर से इन कोचों में टिकट बुक नहीं करते थे, जिसके लिए सरकार ने इन कोच का किराया 3 टियर AC कोच से 8% कम रखा है। अगर बात करें प्रयागराज से मथुरा के किराए की तो इस ट्रेन के 3 AC कोच में ₹905 है और वहीं AC3 इकोनॉमी कोच का किराया ₹835 है। तो चलिए बताते हैं आपको देश की पहली AC3 इकोनॉमी कोच की कुछ सुविधाओं के बारे में। AC3 इकोनॉमी कोच में आमने सामने वाली सीट में गैप की दूरी कम कर दी गई है। इसके अलावा AC3 में जहां 72 सीट होती थी वहीं इकोनॉमी में से 83 बर्थ रखा गया है। अगर रफ्तार की बात करें तो इन कोचों को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जा सकता है। साथ ही टच फ्री बायो टॉयलेट के साथ इस कोच के सभी बर्थ में AC वेंट लगाया गया है, यानी AC वेंट के जरिए आप अपने हिसाब से AC के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हर बर्थ पर रीडिंग लैंप और USB चार्जिंग पॉइंट, सेफ्टी के लिए CCTV कैमरा के साथ सीटों पर बर्थ का मॉड्यूलर डिजाइन दिया गया है। वहीं अगर किराए की बात करें तो कम से कम ₹400 और अधिकतम ₹3,065 किराया रखा गया है। ये किराया हम जो आपको बता रहे हैं वो दूरी के हिसाब से है। नए 3 AC इकोनॉमी कोच में बच्चों के लिए अभी फिलहाल सामान्य किराया ही होगा जो अभी के समय में 3 AC कोच में लगता है। वहीं टिकट कैंसिलेशन और पैसे की वापसी के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। खैर 8% सस्ता किराया रेलवे ने रखा है अपनी इस नई AC3 इकोनॉमी कोच का। तो अगर आप महंगी टिकट की वजह से AC कोच में ट्रेवल नहीं करते थे तो जनाब AC3 इकोनॉमी कोच आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि यहाँ पैसे तो कम है ही साथ में फैसिलिटी आपको ज़्यादा मिल रही है।